ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पाप मोचनी एकादशी महात्म की कथा को सुना रही हूँ। कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से यही अनुरोध करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर। तो अब हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है, सो सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमश ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमश ऋषि ने यह उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय बसंत ऋतु रहा करती थी। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव जी के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिव जी के शत्रु अनंग, जिनको कामदेव कहा जाता है, वह भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हो गए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रों को धनुष बनाया और उसके कटाक्ष को प्रत्यंचा, उसके नेत्रों को उसने संकेत बनाया और कूचों को कुरी बनाया। उस मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवित्र और दंड धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना आरंभ किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजू घोषा उन मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज इस संध्या को ही आई है, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अरे अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, अभी कुछ और देर ठहर। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और समय का जब उन्होंने विचार किया, जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो उस अप्सरा को काल का गाल समझकर वह उस पर महान क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। वह मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा, तू महान पापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के श्राप से वह पिशाचनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न होइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ।
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरा पिशाचनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि आदि बतला दी और अपने पिता चवन्य ऋषि के पास गए। चवन्य ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उसे छूटने का कोई उपाय बताइए। चवन्य ऋषि बोले कि हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि और भक्तिपूर्वक व्रत करो, उसी से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे। ऐसे वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से इनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को वापस चली गई। लोमश ऋषि बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी कथा के श्रवण और पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, अगम्मा गमन करने वाले आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा महात्म्य। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए।